नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई दुबई वीज से रिलेटेड, कुछ न्यू अपडेट्स से रिलेटेड बात करेंगे, जिसमें कुछ चार पांच पॉइंटों पे हम बात करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, फेसबुक वाले फॉलो कर लें भाई, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज हम बात करेंगे साथियों, पहले तो कोरोना अपडेट की बात कर लेंगे भाई। कोरोना ठीक ठाक स्थिति चल रही है अभी दुबई में, इतना कुछ है नहीं। लगभग 35,000 के करीब अभी तक पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिनमें से 266 डेथ हुई है अभी तक। डेथ रेशियो बहुत ज्यादा कम है, 18,000 प्लस रिकवर भी उनमें से हो चुके हैं। तो यानी एक्टिव केस बहुत कम है, यानी ज्यादा नहीं है, 15-16,000 के करीब एक्टिव केस हैं, बाकी रिकवर हो लिए। तो कोरोना की स्थिति ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो दुबई में है, वो जो दुबई से इंडिया आ रहे हैं, उनके लिए घबराने की जरूरत है भाई। 2 लाख के करीब आंकड़ा पहुंच चुका है, 6,000 के करीब मौत हो चुकी है, इंडिया की स्थिति ये है। अभी बात करें साथियों, इंडिया से अब तक यानी 1 जून की बात करें तो लगभग 11,000 लोग रिकवर कर लिए गए हैं दुबई वीज से रिलेटेड। 11,000 लोग ही पहुंचे हैं वंदे मातरम मिशन 1 और 2 के थ्रू। अब आगे और कितने पहुंचेंगे वो आगे आने वाले आंकड़ों पर डिपेंड करेंगे। इन 11,000 लोगों में साथियों मैं बता दूँ, 42 के करीब डेड बॉडी भी थी, जो लोग जिनकी डेथ हो गई थी दुबई में, जो कोरोना से नहीं होके जो नॉर्मल डेथ वगैरह है वो लोग जो खत्म हो गए थे, 9 यानी 42 के करीब डेड बॉडीज उनके साथ में लाया गया है इंडिया यूएई से। जी हाँ साथियों, आगे साथियों आपको पता होगा ईद पे लगभग 84 लोगों को यूएई पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जो भीख मांग रहे थे। आपको पता है यूएई में भीख मांगना जुर्म है। अब वो कौन कौन सी कंट्री के थे वो नहीं बताया गया। अगर यार बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि बॉम्बे के लिए फ़्लाइट क्यों नहीं हो रही है, तो आपको साथियों पता होगा और मुझे भी ये सोच के ताजुब हो रहा है कि बॉम्बे लगभग कंट्रियों की फ़्लाइट आ रही हैं, लेकिन दुबई का क्यों चक्कर क्या है, दुबई से फ़्लाइट क्यों नहीं आ रही है, शेड्यूल में भी नहीं शो कर रहा है फ़्लाइटें भाई दुबई से बॉम्बे के लिए नहीं आ रही हैं, पता नहीं रीज़न क्या है। तो बॉम्बे वालों को बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, फ़्लाइटों का राज क्या है भाई, ये इसका अभी तक पर्दा ये पता नहीं लग पा रहा है। बाकी और कंट्रियों से आ रही हैं बॉम्बे के लिए फ़्लाइट, वीजा के लिए नहीं आ रही है, अब दिक्कत क्या है पता नहीं है भाई। अभी बात कर लें साथियों वीज़ा से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, देखिए अभी बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, अभी गवर्नमेंट ने घोषणा की कि जिनके 1 मार्च से वीज़ा एक्सपायर हुए, ठीक है, 1 मार्च से पहले हुए, तो वो पहले वाले बोल रहे हैं सर हमारा क्या होगा, हमें इंडिया जाना पड़ेगा या फिर हमारा भी माफ़ हो जाएगा, यानी वो एक चक्कर सा थोड़ा सा घुल मिल गया है। क्योंकि जो ये इसमें बताया गया है, अभी जिनके मार्च तक वीज़ा मार्च के बाद एक्सपायर हुए हैं वो 18 अगस्त तक घर जा सकते हैं, जो मार्च से पहले हुए उनको क्या होगा, तो आपको पता ही होगा ना, नहीं है तो भाई सिंपल सी भाषा है मैं बता दूं आपको कि मार्च के यानी 1 मार्च के बाद में जिनके वीज़े एक्सपायर हुए, ठीक है, उनको 31 दिसंबर तक का टाइम दे दिया गया कि आप 31 दिसंबर तक दुबई में रुक सकते हैं, यानी मार्च से लेके दिसंबर तक, यानी 2020 पूरा ये समझ लीजिए। और मार्च से पहले जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए, जैसे फरवरी में, जनवरी में, या पीछा कितना भी 1-2 साल पुराना या 6 महीने पुराना आपने विजिट में गए हो, चाहे खली पेली हो, चाहे अपने कंपनी छोड़ दी हो, कोई इशू नहीं है, उनको ये टाइम दिया गया है कि आप 18 मई से लेके जून जुलाई अगस्त तक आप घर जा सकते हैं, 3 महीने का टाइम उनको दिया गया। जी हाँ साथियों, तो नॉर्मल सी भाषा में समझ गए होंगे भाई, मार्च के बाद में जो हुए हैं, यानी मार्च के बाद में मई में और जून में अभी जो हुए हैं, उनको 31 दिसंबर तक का टाइम मिल गया है। और जो मार्च से पहले हुए हैं, जैसे फरवरी, जनवरी या फिर आगे दिसंबर 2019 में, उनको 3 महीने की मोहलत मिली है कि आप दुबई छोड़ के अपने कंट्री चले जाओ, ताकि आपका जुर्माना माफ़ हो जाए। तो आप नॉर्मली तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करें भाई, रेजिडेंशियल जो वीज़ा हैं उनके लिए वे गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया प्रोसेस आने का, ऑनलाइन फॉर्म जमा करके अपना वो क्या बोलते हैं, ऑनलाइन रजिस्टर्ड करने के बाद वेट करें, दुबई गवर्नमेंट की तरफ से आपको कंफर्मेशन मिलेगा। क्योंकि अभी मान लीजिए इंडिया में आप कर रहे हो, तो इंडिया से फ़्लाइट नहीं है, तो आप टिकट बना के बैठ जाओ, कल को तो आपकी टिकट कैंसिल हो जाए, उधर से आपको आपकी कंपनी की तरफ से आपकी मेल आईडी पे कैसे भी हो वो कन्फर्मेशन आएगा, तब आपको टिकट बनानी है। तो भाई टिकट न बनाएं। तो बस ये छोटी 5 से अपडेट थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। आगे मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे।